हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रिया। उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, हम बहुत सारे काम करते हैं। काम बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ काम होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं और कुछ काम होते हैं जो किए जाते हैं। तो यहाँ पर दी गई जगह पर हमें कुछ किए जाने वाले कामों के बारे में लिखना है और कुछ ऐसे काम लिखने हैं जो स्वयं हो जाते हैं। तो किए जाने वाले काम कौन से, जैसे कि खाना खाना, घूमना, पढ़ना, खेलना, लिखना, ये सभी काम किए जाते हैं। और अपने आप होने वाले काम कौन से हैं, जैसे सूरज उदय होता है, बारिश होती है, नदियां बहती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, तो ये सभी काम अपने आप होने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बात कर रहा है। तो इस तरह से स्कूल में यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन है। सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मयंक गा रहा है, मीरा नाच रही है, गाना सुन रहे हैं और कोई नाटक कर रहे हैं और अध्यापिका जी बच्चों को तैयार कर रही हैं। तो ये जो शब्द हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सभी क्रिया शब्द हैं, क्योंकि एक काम के करने या होने का पता चलता है इनसे कि क्या काम किया जा रहा है। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना बच्चों वाक्य अधूरा रहता है, कार्य वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैंने आम, ये कोई वाक्य नहीं हुआ। हम सब दिल्ली, ये भी कोई वाक्य नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उसमें क्रिया लगा दें, जैसे मैंने आम खा लिया, हम सब दिल्ली जा रहे हैं, तो ये क्रिया होने पर ये वाक्य पूरे भी हो गए और स्पष्ट भी हो गए। तो इसलिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। कुछ और भी क्रिया शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, उगाना, उगना, काटना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब बच्चों, है या हैं, था, थे, होंगे, ये सभी भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे कि सूरज निकल रहा है तो ये क्रिया स्वयं हो रही है। अंकिता रस्सी कूद रही है तो ये क्रिया की जा रही है। फूल खिल रहे हैं, ये अपने आप होने वाली क्रिया है। किसान फसल काट रहा है, ये क्रिया की किया जाने वाली क्रिया है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब स प्लस कर्मक, यानी स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे गौरव खाना खा रहा है, तो गौरव कौन है, कर्ता यानी काम करने वाला, और खाना कर्म है और खा रहा है ये क्रिया हो गई। तो गौरव खाना खा रहा है, ये खाना इसमें खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो गई। धोबी कपड़े धो रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से गौरव क्या खा रहा है, खाना, और धोबी क्या धो रहा है, कपड़े, तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया के हैं। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या काम किया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर जिनसे मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के नाम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरी है अकर्मक क्रिया, अ मतलब बिना और कर्मक मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जैसे कि शेर दहा रहा है, तो शेर कौन है, कर्ता, और दहाड़ना क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। इसी तरह बच्चा हंस रहा है, तो बच्चा कर्ता और हंस रहा है, ये क्रिया। तो इस तरह से जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, मतलब कौन कर रहा है। जैसे शेर दहाड़ रहा है तो कौन दहाड़ रहा है, शेर। बच्चा हंस रहा है तो कौन हंस रहा है, बच्चा, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं लिखी हुई हैं। अकर्मक क्रिया जैसे कि आना जाना, सोना जागना, भागना, और सकर्मक क्रिया जैसे कि लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना। थैंक यू।